बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिसेस हैं 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, और इसमें एक और मैट्रिक्स ऐड हो रहा है जो कि है 1 1 1 0। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर टू मैट्रिसेस हैं, इनको हम ऑपरेट करेंगे, यानी इनके में प्लस है तो इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस 0, सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा इन सेकेंड एलिमेंट, 0 प्लस 2। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में, तो यानी 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 प्लस। अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स वैसे लिखा जाएगा और इसके बाद 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2, ये आ गया है 2, 0 प्लस 3 3 और 1 प्लस 0 1। अब चूंकि ब्रैकेट्स के अंदर का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए बाहर स्मॉल ब्रैकेट जो लगी थी उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो प्लस इसमें ये मैट्रिक्स लिख लें 1 1 1 0। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा तो 1 प्लस 1, फिर आ जाएगा 0 2 प्लस 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो फाइनली इस पार्ट का आंसर आ गया है 2 3 4 1। इसका सेकेंड पार्ट एक बार फिर मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 और इस पे से माइनस हो रहा है मैट्रिक्स 1 1 1 0 विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स प्रोसेस पहले किया जाएगा, यानी इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 माइनस मैट्रिक्स 1 1 1 0। तो ये दो मैट्रिक्स की एडिशन आई है 1 2 3 1 और इसमें से माइनस होना है मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब यहाँ टू मैट्रिक्स के दरमियान माइनस साइन है, तो इनको फर्स्ट में से सेकंड मैट्रिक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1, नेक्स्ट फिर 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 1 माइनस 0। इस तरह फाइनल आंसर आ जाएगा 0 1 2 1। थर्ड पार्ट ये मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स 2 3 1 और इसमें प्लस होना है एक ऐसा मैट्रिक्स जो इन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगा, तो वो है 1 0 2 माइनस 2 2 2। ये अब फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड माइनस किया जाएगा तो 1 माइनस 0, फिर आ गया है 0 माइनस 2 और इसके बाद 2 माइनस 2। तीसरा 2 3 1 में मैट्रिक्स जो ऐड किया जाएगा वो अब बन गया है 1 माइनस 2, आ गया था -1, 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0। अब जी इन दो मैट्रिक्स को हमने करना है ऐड, तो 2 प्लस माइनस -1 और फिर 3 प्लस माइनस -2 1 प्लस 0। इस तरह फाइनली आंसर बन जाएगा 2 माइनस 1 आ गया है 1, 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 0 1।